Hey guys, कैसे हैं आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। So guys, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को VMware और GNS3 दोनों का जो है इंस्टॉलेशन कैसे होता है और इनको आपस में लिंक कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सर GNS3 जो है हमारा उसको VMware Workstation के साथ में जो है वो किस तरह से लिंक करते हैं, वहां भी GNS इंस्टॉल करके कैसे हम कर सकते हैं। ये जो है पूरा आप एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के बताएं, तो मैं आज जो है आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के देने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको डाउनलोड कहां से करना है और डाउनलोड करते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसके बाद जो है आप लोगों को इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है और कहीं पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है इन दैट केस आपको जो है किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये सारी चीजें जो मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो GNS3 जो है एक काफी इंपॉर्टेंट काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि हम काफी रियल नेटवर्क के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं उसके साथ में हम जो है इसको काफी अच्छे से जो है सिमुलेट कर सकते हैं। और अब जो है और थोड़ा सा एडवांस जाने के लिए हम जो है VMware Workstation पे भी GNS इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं। लेकिन वो बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसको इंस्टॉल करते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इसका जो बेसिक इंस्टॉलेशन और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं पे चल के देखते हैं कि प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे जो है कॉन्फिगर किया जाता है। सो गाइस, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी आपको जाना है सबसे पहले तो GNS3.com पे, राइट। GNS3.com पे जाकर जो है आपको यहां से डाउनलोड करनी है कुछ फाइल्स। सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन कर लेना है अकाउंट बनाकर, तो उसके बाद ही ये आपको डाउनलोड करने देगा। उससे पहले ये डाउनलोड ऑप्शन जो है इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। तो जब आप यहां पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको जो है यहां पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। आप देखते हैं यहां पे मैं लॉगिन हूं ऑलरेडी, तो यहां पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड पे अगर आप लिनक्स के ऊपर करना चाहते हैं तो लिनक्स पे, मैक के पे करना चाहते हैं तो मैक पे कर सकते हैं, और डाउन विंडोज के लिए करना चाहते हैं विंडोज के लिए। तो यहां पे आपको जो है इंस्टॉलेशन गाइड भी बताई गई है किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है, और यहां पे सीधा हम डाउनलोड पे बटन जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा GNS3 सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होगा। तो यहां पे आप देखते हैं इसका जो वर्जन है दैट इज वर्जन 2.2.12, ये इसका वर्जन हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम चाहते हैं यहां पर हम VMware के ऊपर भी हमें जो है GNS3 को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम यहां पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, राइट। और यहां पर आप देखते हैं यहां पे लिखा फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, तो यहां पे डाउनलोड VM फॉर GNS3, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखते हैं एक डिफरेंट आपको GNS3 का VM जो VMware पे जो हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे उसका जो है यहां पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, VMware Workstation का करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, राइट। VMESXi जो करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V आपके पास है तो इन दैट केस जो है आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है मैं आप लोगों को VMware Workstation के ऊपर बता रहा हूं, तो आप जो है ये डाउनलोड क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं जो GNS3 का वर्जन था वही वर्जन इसका भी है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आपके पास पहले से GNS इंस्टॉल्ड है, तो जैसे कि मेरे पास यहां पे पहले से GNS इंस्टॉल्ड अवेलेबल है, तो यहां पर मैं इसका अगर आप लोगों को वर्जन दिखाऊं तो यहां पे 2.2.10 है, राइट। तो ये जो वर्जन है आपका इसी वर्जन से रिलेटेड ही आपका VM जो है वो होना चाहिए, जो VMware के अंदर हम इंस्टॉलेशन करेंगे तभी इसका जो है लिंक आपस में हो पाएगा, अदरवाइज जो है ये लिंक जो है पॉसिबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका एरर रह जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका जो है ये दोनों जगह पे आपका जो है ये प्रॉपर दोनों जगह पे आपका वर्जन जो है वो चाहे VM के अंदर हो या किसी के भी अंदर हो वो आपका सेम होना चाहिए। तो मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूं अभी। इसके बाद आप लोगों को VMware Workstation डाउनलोड करना है, तो वो भी आप यहां पे गूगल पे जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। VMware Workstation डाउनलोड, तो यहां पे आप देखते हैं पहले VMware पे आ जाता है, तो ये वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से।
और इसके भी जो है आपको लाइसेंस की वगैरह चाहिए होंगी तो लाइसेंस की भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, नहीं तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज, राइट, ये विंडोज के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लाइनेक्स पे हैं तो आप लाइनेक्स पे कर सकते हो। तो यहां से आप वीएमवेयर को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जब आपका कंप्लीट हो जाए, जीएनएस 3 के दोनों वर्जन, वीएमवेयर के लिए और आपका जीएनएस का, और दूसरा आपका यहाँ पे जो वर्क स्टेशन है वीएमवेयर का, वो भी आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे हम बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद कंप्लीट जो आपके पास जीएनएस जो हमने वीएमवेयर के लिए करा है, वीएमवेयर का आप देखते हैं यहां पे वीएमवेयर का लिखा हुआ है, वीएमवेयर वर्क स्टेशन, इसको जब आप अनजिप करेंगे तो इस तरह की आपको फाइल देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इस तरह की फाइल आपको अनजिप करके मिल जाएगी। इसके बाद आपके पास जो वर्क स्टेशन है आपको उसको चालू करना है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्क स्टेशन है इसको चालू करना है। यहां पर जाकर आपको फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, राइट, ओपन में जाके जो भी आपकी वो लोकेशन है फाइल की वो सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। मेरे पास ऑलरेडी वीएम जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, बट अभी यहाँ पे दोबारा मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, बट अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि अदरवाइज रैम ज्यादा यूज होंगी, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब बस आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जो भी इंफॉर्मेशन आए उस पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इस तरह से जीएनएस 3 जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये आपका जीएनएस 3 इस तरह से जो वीएम वाला है हमने वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको आपको कर देना है बंद, फिर आपको जीएनएस का जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करा है उसको हमने जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जीएनएस 3 आपका रेडी हो जाएगा। जीएनएस 3 को आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आपको फाइल में हेल्प में जाना है, ठीक है ना। सेटअप विजार्ड पे आप जाकर रन एप्लीकेशन इन अ वर्चुअल मशीन पे आप क्लिक करेंगे और इसको सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है आप वीएमवेयर के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोकल तो आपका जीएनएस 3 चल रहा है, लेकिन अभी जो वीएमवेयर है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे स्टार्ट होने में इस तरह के कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, ये आपका वीएमवेयर जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैं इसको पहले शट डाउन कर देता हूं, ये पावर ऑफ कर देते हैं हम इसको, ये पावर ऑफ कर दिया, अभी ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपका इस तरह का है, इस तरह का ग्रे आइकन आ जाता है तो आपको कुछ चीजें चेक करनी है। एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जीएनएस 3 वीएम लिखा हुआ इस पे आपको देखना है। यहां पर ये चेक करना कि ये आपका टिक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। सेकंड, यहां पे वीएमवेयर वर्क स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे वीएम नेम में जो आपका वीएमवेयर के अंदर जो नाम है वो आपने यहां पे सेलेक्ट कर लेना है और बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, और इसके बाद यहां पे अप्लाई ओके करके जो है आपको इसको कंप्लीट कर देना है। तो जब ये हो जाएगा तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम पे इस तरह का ग्रे आइकन आए, आपका स्टार्ट ना हो, तो इन दैट केस आपको जो है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस अपने कंप्यूटर को वापस से रीबूट करना है, राइट। तो रीबूट करके आपका जीएनएस जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसको ओपन करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे इसको कैंसिल करता हूं। तो ये हमारा जो है इंस्टॉलेशन, ये जीएनएस 3 जो है हमारा ओपन हो रहा है। तो आप देखते हैं यहां पे जो है हमारा लोकल तो ओपन हो चुका है, अभी यहां पे वीएमवेयर के ऊपर डायरेक्टली इसने चालू कर दिया, तो ये वीएमवेयर पे जाके हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये यूबंटू के ऊपर है आपका, जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जाके जो आपका ये ऑटोमेटिकली यहां से बूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यहां पे बूट कंप्लीट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये जो जीएनएस 3 के अंदर जो ये जो स्टार्टिंग लिख के आ रहा है ये आपका जो है यहां से ऑन हो जाएगा, इसमें आपका कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस जैसे अभी यहां पे देख पा रहे हैं कि ये आपका क्लियर नहीं हुई, ये आपका जो है अभी बढ़ नहीं रहा है, राइट, तो थोड़ा सा वेट कर ले क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है आपका टाइम लग जाता है क्योंकि सारी वर्चुअल्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे और आपको लगे कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो यहां पर कंप्लीट हो गया, आप देखते हैं यहाँ पे वीएमवेयर के वीएमवेयर वर्क स्टेशन के अंदर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ओके लिख के आ गया है
और यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी है, KVM सपोर्ट अवेलेबल ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अंदर अगर वर्चुअल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, अगर ये फीचर एनेबल नहीं है, तो हमें इसको एनेबल करना पड़ेगा। ये आपका ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू नहीं है तो इन दैट केस जो है आपको बायोस के अंदर एडवांस ऑप्शन के अंदर जाके आपका वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है उसको एनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो एनेबल कर देंगे तो वापस आप जब रीबूट करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो है यहाँ पे ओके नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको मिनिमाइज कर देना है। और यहाँ पे आप देखते हैं GNS3 जो है वो हमारा यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल लेता हूं और नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ स्विच ले एक स्विच ले लेता हूं। ये मैंने स्विच लिया। अब जैसे ही मैंने स्विच को ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सर्वर से आप इसको रन करना चाहते हैं। आप इसको GNS3 के करना चाहते हैं या वर्क स्टेशन, GNS3 जो वर्क स्टेशन के अंदर है उसके जरिए करना, VMware के जरिए करना चाहते हैं। तो मैं इसको जो आपका VM के अंदर जो हमने इंस्टॉल करा उसके जरिए रन करना चाहता हूं। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है इसका CPU यूज होने लग गया और ये स्विच हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ एंड पीसी ले लेता हूँ दो, इसका भी सेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और दोबारा से यहाँ पे एक और लेता हूँ पीसी और इसको भी ओके कर देते हैं, राइट। अब यहां पर जो है मैं आप लोगों को एक बार चेक करके बताता हूं कि ये जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तब आपका VM जो आपने इंस्टॉल करा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पे पीसी पे सबसे पहले देखो यहाँ पे रेड कलर का आइकन आ रहा है, तो इसको जो है आपको स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करोगे तो ये आपका ऑन हो गया है, राइट। और दूसरे पे भी हम स्टार्ट कर लेते हैं तो ये भी आपका ऑन हो गया। अब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने कनेक्टिविटी स्विच के साथ में कर दी। ये दूसरे पीसी को भी कनेक्ट कर देता हूं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। और इसके बाद जो है मुझे ये चेक करना है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, तो मुझे इन दोनों को आईपी एड्रेस देना है। तो मैं इसके अंदर चलता हूं कॉन्फ़िगरेशन पे और इसको जो है मुझे आईपी एड्रेस देना है। तो ये पीसी 1 है और यहां पे मैं लिखता हूं IP 192.168.10.1 दे देता हूं, /255.255.255.0 और एंटर कर देता हूं, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस, और ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो चुका है आईपी एड्रेस का। सेकंड पीसी पे चलते हैं और यहां पर जाकर भी मैं आईपी लिखता हूं 192.168.10.2 दे देते हैं, वहां पे हमने 1 दिया है, 255.255.0 और यहां पर भी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, राइट। तो मेरा पीसी 1 एंड पीसी 2 पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया। तो अभी हम पीसी 2 पे हैं, तो यहां से मैं पिंग करता हूं 10.1 को। तो जैसे यहां पे करते हैं तो आप देखते हैं हमें रिप्लाई आ रहा है, राइट। और यहां पे रिप्लाई हमें बिल्कुल 100% आ रहा है, यहां पे बाइट फ्रॉम रिसीविंग बाइट फ्रॉम, ये तो ये आपका 10.1 के साथ जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो यानी कि ये वीएमवेयर के थ्रू अभी जो मेरे ये जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ, चाहे वो स्विच है चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, ये आपका वीएमवेयर के जरिए जो है, जो हमने वीएम पे जो GNS3 पे इंस्टॉल किया है उसके जरिए ये ऑपरेट हो रहा है। ये हमारा खुद यहाँ पे ये जो लोकल चल रहा है GNS3 इसके जरिए जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है। अगर इतना कनेक्टिविटी आ रही है और कहीं पे कोई एरर नहीं आ रहा है, इन दैट केस आपका मतलब ये पूरा का पूरा वीएम जो है वो काम कर रहा है और आपका GNS3 वीएमवेयर वर्क स्टेशन के साथ जो वीएम GNS3 VM हमने इंस्टॉल करा है उसके साथ ये इसका कनेक्शन और जो फंक्शनैलिटी है वो 101% कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आपको जो है ये किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको इसके अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से आपको रेक्टिफाई करनी है, कहां से कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉलेशन करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।